नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब में आपका फिर से स्वागत है और चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि वक्री शनि 30/4/2019। वक्री हो रहे हैं शनि महाराज धनु राशि के लिए, वही वक्री शनि महाराज क्या फल देंगे उसके ऊपर थोड़ा विचार डालेंगे। धनु राशि ऐसे भी पीड़ित राशि चल रही है अभी, क्योंकि इनकी राशि में जो प्लैनेट्स है वो इतने सही नहीं चल रहे हैं। धनु राशि के लिए अभी सब प्रिकॉशन लेके चलने वाली बातें हो जाती है, क्योंकि मन मस्तिष्क उनका ख़राब है, कामकाज हो नहीं रहा है, शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में चल रही है पूरी, और ऊपर से वक्री शनि होने वाले हैं 30/4/2019 से लेकर 18/9/2019 तक, करीबन 4 से 4.5 महीने जितना वो पीरियड रहेगा। तो उनको कैसे रहना है, किस हिसाब से जीवन जीना है, और वो वक्री शनि क्या फल दे सकते हैं, शनि महाराज जब वक्री होते हैं तो वो क्या फल देते हैं। शनि जब भी वक्री होते हैं तो लाल आँख करते हैं। लाल आँख का मतलब होता है कि आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। शनि जैसे वक्री होता है, आपकी जो अलर्टनेस है उसको आप पहले सचोट कर लीजिए, उसको खोल दीजिए, आपकी आंखें जो बंद है उसको खोल दीजिए, क्योंकि शनि जब भी वक्री होते हैं तभी उथल पाथल कर सकते हैं, मतलब बड़ी हिलचाल कर सकते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा फेरफार ला सकते हैं, बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही संभल के काम करना है। शनि के पीरियड में जो वक्री पीरियड है उसमें पहले से प्रिकॉशन ले लीजिए। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसे ही ये सेंटेंस नहीं बना है, डेफिनेशन नहीं बनी है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं कहावत बनने से। तो आप प्रिकॉशन लीजिए, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन लोगे तो बचोगे। इसलिए शनि का जो वक्री भ्रमण है वो अभी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपको पहले से पहले अपने प्रिकॉशन में मन मस्तिष्क को सुधारना है। आपके जो आपने आगे जो काम किए हैं उसके वो बारीकाई से चेक कीजिए, उसमें कहीं गलतियां तो नहीं हो गई है तो उसे ठीक ठाक कीजिए, या उसके बारे में पहले से आप प्रिकॉशन ले लीजिए। उसको कहीं भी ढील ढाल मत रखिए। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहे हैं तो उसको बारीकाई से ध्यान दीजिए, या आगे कोई भी ऐसी मैटर बनी है उसके लिए भी आप ध्यान से अभी उसका सॉर्ट आउट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन ला दीजिए, नहीं तो ये पीरियड में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको अलर्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि शनि महाराज जब भी वक्री होते हैं वो अपनी आंखें लाल करते हैं। आपके जो भी काम आगे आपने किए हैं उसका जो भी हिसाब किताब है वो चेक करने के लिए वो वक्री होते हैं। इसलिए यहाँ वक्री शनि सबसे पहले आपको कोर्ट कचहरी में जो आपके केस चल रहे हैं या कोई भी ऐसा वाद विवाद चल रहा है तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए, उसको सही तरीके से निपटाइए। पार्टनर से जो भी रिलेशन आपके चल रहे हैं उसमें भी खतरा आ सकता है, उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, या बिजनेस जो आपका चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा मूवमेंट आ सकता है, घाटा वगैरह दिख सकता है, कोई भी ऐसी मैटर बन सकती है, या आपको कोई घाटा देखना या कोई लॉस देखनी भी पड़ सकती है। इसलिए कोई भी अभी डील करने से पहले 100 बार सोचिए, जो भी आप व्यक्ति पर्सन से काम कर रहे हैं उसके साथ पहले देखिए कि कैसा काम है इनके साथ, फिर आप काम कीजिए, बिजनेस कीजिए। जॉब में भी आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ आ सकती है, जॉब कहीं इधर उधर हो सकती है, या आपके ऊपर कोई लांछन वगैरह लग सकता है, या बदनामी आपके ऊपर आ सकती है, कहीं ना कहीं आपको नीचा देखना पड़ सकता है। इसलिए शनि की जो वक्री चाल है उसको आप समझिए, शनि के वक्री चाल से पहले पहले आप सब निपटा लीजिए, या इस पीरियड के अंदर कोई काम करने से पहले 100 बार सोचिए। डिसीज़न मत लीजिए, डिसीज़न बाद में लीजिए, जब मार्गी हो जाएगा तब लीजिए, अभी डिसीज़न लेने में मज़ा नहीं है। आप जो डिसीज़न ले रहे हैं वो 100% गलत है, आपकी विचार से परे है, आप जो है वो नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वो अभी नहीं होगा, आपसे आपके सोचने से विपरीत होगा। इसलिए ये 4 महीने का पीरियड आप थोड़ा तकेदारी से काम लीजिए, शनि की जो रेमेडीज़ है वो कीजिए। आप शनि महाराज का जो भी रेमेडीज़ होती है, शनि चालीसा होता है, शनि का जो मंत्र है उसका जाप कीजिए, शनिवार का फास्ट रखिए, और गरीबों को दान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी गरीब है वो आप जो बने सके अपने हिसाब से उसको दान पुण्य कीजिए। इसके हिसाब से भी आपके काफ़ी हद तक ये
सुपीरियर निकल सकता है, इसमें कोई आपको घाटा वगैरह नहीं आ सकता है। इसलिए धनु राशि को एक ही निवेदन है कि शांति से चार महीने का पीरियड निकालिए, कोई बड़ा डिसीजन या कोई बड़ा विचार इसके अंदर मत कीजिए। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।